इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में कि अगर मैंने प्रिंट लेना है तो उसमें हेडिंग्स जो हेडिंग्स आ रहे हैं जैसे ए बी सी हैं और ये 1 2 3 और जो ये हमारी यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ रही हैं इनको भी मैंने प्रिंट आउट में लेना है तो वो कैसे लेंगे। तो लेट्स सपोज कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक टेबल है और उसको मैंने प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक ये टेबल यहाँ पे बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैंने प्रिंट लेना है, तो आप क्या करें कि फाइल टैब पे जाएं और यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पे क्लिक करें। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि इसका प्रीव्यू आ जाएगा, जो पेज का प्रीव्यू है। तो इसमें रोज़ और कॉलम जो मतलब लाइन्स आ रही हैं और हेडिंग्स वो शो नहीं हो रहे। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि जब प्रिंट लें तो इसमें हेडिंग्स भी आने चाहिए और ग्रिड लाइंस भी आनी चाहिए। तो इसके लिए आप पेज लेआउट में जाके यहाँ पे एक इसने ऑप्शन दिया होता है ग्रिड लाइंस। तो अभी तो व्यू और हेडिंग्स, ये भी व्यू इसने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये पेज पे शो होंगे। अगर सपोज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो पेज से भी हाइड हो जाएंगे। लेकिन अब मेरे को जो ये वाले हेडिंग्स हैं और ग्रिड लाइंस हैं ये मेरे को प्रिंट में चाहिए, तो इसके नीचे ये इसने प्रिंट वाले चेकबॉक्स बनाया है, तो आप इन पे मार्क कर दे दोनों पे। तो अब मैंने इन दोनों को मार्क कर दिया, उसके बाद आप फिर यहाँ से प्रिंट में जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें हेडिंग्स हैं और जो इसमें ग्रिड लाइंस हैं वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेल में चाहते हैं कि जब आपने प्रिंट लेना है तो उसमें हेडिंग्स और जो ग्रिड लाइंस है वो भी आनी चाहिए, तो इस तरह से आप उनको प्रिंट में लेके आ सकते हैं। थैंक यू।